अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक बच्चों के लिए, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे से बड़े मज़े से खाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच तेज़ दाल ले लिया है, चने की दाल ले लिया है, मेरी होममेड चने की दाल है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच ज़ीरा और अक्का धनिया ले के भून लिया था, उसमें काला नमक ले के पीस लिया था। चाट मसाला एक सेव, अनारदाना, अगर अनारदाना नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, एक चम्मच मूंगफली। यहाँ पे मैंने 5 वाला मुनाइको बिस्किट लिया है, एक पैकेट बिस्किट ले लेना है। एक बड़ा कांदा ले लेना है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और एक बड़ा टमाटर, इसका बीज वाला हिस्सा निकाल देना, उसे भी चॉप कर देना। हरा धनिया, और यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए, और आलू को हमें मैश कर लेना है। देखिए हमने आलू को मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पे मीठी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच अक्खी धनिया ले लिया है, ज़ीरा और काला नमक। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गुड़ ले लिया है, और यहाँ पे इमली का पल्प 1 कटोरी ले लिया है। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले, सौंफ 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम यहाँ पे। ये हो गई हमारी मीठी चटनी की चीज़। अब हम हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए हरा धनिया इसे धुल लेना है, पुदीना इसे भी अच्छे से धुल लेना है, 3 हरी मिर्चें तीखी वाली इसलिए 3 ली हैं मैंने, 1/2 नींबू लेना है, थोड़ा सा अदरक लेना है, 5 से 6 जो लहसुन के। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम अपनी हरी चटनी के लिए कोतमीर, पुदीना, अदरक, हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक और ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारी चटनी का कलर हरा रहे। ठंडा पानी और नींबू डालने से हमारी चटनी का कलर हरा रहता है, काला नहीं पड़ता है। कितने भी देर तक का रखेंगे वो हरा ही रहता है। अब हमें इसका पेस्ट बनाने लगा है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पीस लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे जब हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तो। अब हमने जो इमली का पल्प लिया था वो डाल देंगे तेल डालने के बाद। इसके बाद हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे, सौंफ, काला नमक और कलौंजी, इसको भी डाल देना है, और गुड़, गुड़ डाल के हमें इसे अच्छे से चला लेना है। ये हम मीठी चटनी बना रहे हैं, ये फटाफट बन भी जाती। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना और इसे हमें चलाते रहना है, अपना गुड़ थोड़े टाइम में ही पिघल जाएगा, जल्दी से गुड़ पिघल जाता है। देखिए हमारी चटनी में उबाल आ गया, और गुड़ जो थे हमारे 2 मिनट के अंदर ही पूरा पिघल गया, एक भी गुड़ खड़ा खड़ा नहीं है। हम इसको पकने देंगे, हमें गाढ़ी चटनी चाहिए, इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकने देंगे। अब इसे हमें पकने देना है। देखिए यहाँ पे जो हमने मसाले लिए थे, अक्खा धनिया और ज़ीरा लेके हमें भून के इसको क्रश करके डाल देना है, और इसे हमें चलाते देना है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का। आपको कैसी चटनी चाहिए, अगर पतली चाहिए तो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं गैस को, अगर और गाढ़ी चाहिए तो आप इसको और बना सकते हैं। मुझे और थोड़ी गाढ़ी चाहिए था तो मैंने और पका लिया था इसे। देखिए ये एकदम परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये मैं बच्चों लोग के लिए निकाल रही हूँ, अगर आपके बच्चों को सौंफ कलौंजी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा बच्चों लोग के लिए निकाल ले रही हूँ। बच्चों को मेरे पसंद नहीं है ये सौंफ कलौंजी वगैरह, लेकिन मैंने उनके लिए थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी बड़ों के लिए वैसे पूरी चटनी मैंने रखी है। देखिए हमारी चटनी कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है इसका। अब जो हमने बिस्किट ली थी मुनाइको 1 पैकेट, उसको हम लगा लेंगे। इसमें हम डालेंगे आलू। अगर आपके पास मुनाइको बिस्किट नहीं है तो आप बाज़ार में मिलने वाली ये पूरी भी ले सकते हैं, उसमें भी हम ये सेव पूरी बना सकते हैं। अब हम सब बिस्किट पे डाल देंगे आलू, आलू डाल देंगे सारी बिस्किट पे अच्छे से। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए हमने यहाँ पे सारे बिस्किट पे डाल दिए हैं आलू। अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। सारे बिस्किट पे हमने प्याज डाल दिया है, पहले आलू डाला है उसके बाद प्याज डाला है।
प्याज डालने के बाद हम इस पे डाल देंगे टमाटर। सारी बिस्किट पे हम डाल देंगे। आप इसकी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब हमने यहाँ पे जो ज़ीरा, अक्खा धनिया और काला नमक वाला मसाला तैयार किया था वो डाल देना है। इसके बाद हम डाल देंगे इस पे चाट मसाला पाउडर। हमने अक्खा धनिया और ज़ीरा को लेके भून लिया था और उसमें थोड़ा सा डाल दिया था काला नमक। यहाँ पे देखो जो बच्चों के लिए हमने चटनी निकाली थी वो बच्चों के उसमें डाल दे रहे हैं हम सादी सादी। अगर आपके बच्चों को सौंफ और कलौंजी पसंद है तो आप ऐसे भी चटनी दे सकते। देखिए मैं दोनों चटनी डाल रही हूँ, सादी वाली भी और वो। हमें हरी चटनी डाल लेना है सारे पे। बच्चों लोग के लिए हम बना रहे हैं तो बच्चों के उस पर हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, अगर ज़्यादा गिर गए तो उसको कम भी कर सकते। देखिए हमने सारी बिस्किट पे हमने डाल लिए हैं हरी चटनी भी। अब इस पे डालेंगे हम तेज़ दाल, चना दाल। ये मेरी होममेड है, मैं इसकी रेसिपी आपसे जल्दी शेयर करूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल भी लग रहा है। अब इस पे डाल देंगे हमने जो मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली लिए थे वो डाल देंगे। भुनी हुई मूंगफली के बाद हम इस पे डाल देंगे सेव। सारे बिस्किट पे हमें सेव डाल देना है। बारीक वाली सेव है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। जहाँ पे हम ग्रोसरी खरीदते हैं वो दुकान पे आप अनार डाल दीजिए। अगर अनार नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अनार को बगैर अनार के भी हम बना सकते हैं। देखिए अनार डालने के बाद और कलरफुल लग रहा है। अब हम इस पे यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है और देखने में भी अच्छा दिख रहा है और खाने में बच्चे बड़े फटाफट खा लेते। देखिए हमने ये पूरी से भी बनाया था, देखिए जो पापड़।